दोस्तों, वेलकम टू इलर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल दोस्तों, जो आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिखाई दे। आज हम बाल दोस्तों कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो यानी कि संगान काव्य है, उसका आज हम स्वाध्याय और अभ्यास यानी कि भाग 2 की चर्चा करेंगे। आप सभी ने भाग 1 नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस काव्य को आप देख सकते हैं। तो चलो बाल दोस्तों, हम यहां सबसे पहले अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, आशय स्पष्ट कीजिए। बाल दोस्तों क्या कह रहे हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसका उत्तर है, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजय हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर इसे बाथ क्षेत्र में नया निर्माण करना है। तो इस तरह बाल दोस्तों, इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। दूसरा सवाल, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को नए युग में ले जाए। तीसरा सवाल, हमारी राष्ट्र संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। हम सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभ्यारण्य में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों का सावधान करेंगे। तो इस तरह हमें राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हमारा फर्ज है। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, कवि माहेश्वर जी धरा के अमर सपूत से क्या चाहते हैं? तो उत्तर है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्ज्वल बनाएं। इस प्रकार कवि महेश्वर जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा सवाल, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारे देश सदियों तक गुलाबी के अंधकार में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे, उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि इच्छा
इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा सवाल, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा, निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खेल खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। तो इस तरह हम देश का नवनिर्माण कर सकेंगे। चौथा सवाल, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहे? तो इस कविता में हमारे कुछ जीवन में उतारने की बातें हैं, जैसे कि मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। दूसरा, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। तीसरा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथा, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। पांचवा, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। और छठा, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये सभी बातें हमें जीवन में उतारना चाहिए। सवाल नंबर दो, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों को आपको एक काव्य दी गई है, उसको बराबर ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें से जो सवाल पूछे गए उनको आपके उत्तर देना है। अब मैं यहाँ काव्य पढ़ता हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पद पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पद से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अब आपको प्रश्न दिए गए उनके सवाल देने हैं, जवाब देने हैं। हिमालय में हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहां तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा सवाल, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा? तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाई आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवा सवाल, इस काव्य को योग्य शिक्षक दें। तो इसका हम योग्य शिक्षक देंगे हिमालय का संदेश। सवाल नंबर तीन, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो, जैसे कि फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश, ये सभी इस काव्य में आने चाहिए। धीरे धीरे बादल बरसे, पहला क्या है, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं। इस तरह हमें काव्य का पूर्ण करना है। हमारा चौथा और आखिरी सवाल, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गादी बन जाऊंगा। तो बाल दोस्तों, यहाँ एक काव्य दी गई है आपको, इस काव्य को यहाँ आप अपने शब्दों में पूर्ण करना है।
जैसे कि माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गादी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दो माँ, छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो इस तरह बाल दोस्तों अपने शब्दों में यहाँ का कविता लिखनी है और पूर्ण करनी है। तो बाल दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हाँ अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जिससे उनका भी फायदा हो, और हाँ उनको और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों आ वीडियो तुमने केव लगे? जो सारो लगे हो तो लाइक करजो एंड सब्सक्राइब करजो और बेल आइकॉन